उसने तू क्या क्या बोला, बोल क्या रहा? बोला उसने? वीरेंद्र जी प्लीज क्लास के समय क्लास से बात कीजिए सर, लाइव क्लासेस चल रही है, आपकी बातें सारे लोग सुन रहे हैं, साथ में रिकॉर्ड भी होगा। तो हम डिस्कस कर रहे हैं यूजुअल फॉर्म में लिस्ट बॉक्स के बारे में, इसके चेक बॉक्स एंड ऑप्शन बटन के बारे में। तो एक चलिए एक छोटा सा फॉर्म डिजाइन करते हैं और उस फॉर्म के ऊपर हम आपको बताएंगे किस तरह से हम कॉम्बो बॉक्स एंड लिस्ट बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लेबल लेता हूँ, लेबल यहाँ देता हूँ कि यहाँ पे हमने दे दिया नेम, और यहाँ पे हमने अपना नेम देता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। उस तरह से यहाँ पे हम सिटी देंगे, सिटी, और सिटी के लिए हम यहां पे कॉम्बो बॉक्स दे देते हैं। और उसके बाद मैं यहां पे सिलेक्ट कोड करता हूं कि टाइप के बारे में, कि क्लास की जो टाइप है, देखिए इसमें हम रेडियो बटन का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा जब भी आप रेडियो बटन का जब भी आप इस्तेमाल करें तो इस चीज का ध्यान देना। कि रेडियो बटन का, हाँ प्रधान जी समझ गया, लेकिन आप लोगों ने भी करके दिया नहीं ना, आपने बोला ना करके दूंगा मैं अपने क्वेश्चंस को। रेडियो बटन का इस्तेमाल हम करेंगे तो रेडियो बटन का इस्तेमाल हमेशा हम एक फ्रेम में करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेम लीजिए और फ्रेम लिखिए, और फ्रेम का हेडिंग मैंने यहां पे दे दिया टाइप। टाइप, और यहां पे मैंने लिया और यहाँ पे दिया कि ऑनलाइन क्लासेज होती है या क्लास, या फिर डीवीडी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन हमने दे दिया। और एक और रेडियो बटन दिया जिसमें हमने यहाँ पे डीवीडी दे दिया, ऑप्शन बटन जिसको बोलते हैं डीवीडी। उसके बाद फिर वापस हम चेक बॉक्स को भी चाहो तो आप फ्रेम में डालोगे, थोड़ा तो सा अच्छा दिखेगा क्योंकि तो हेडिंग दिखेगा ना इसलिए। तो रेडियो बटन में क्या होता है, ऑप्शन बटन क्या होता है कि आपको कई सारे ऑप्शन में से एक को चूज करना होता है, और चेक बॉक्स में क्या होता है कि आप कई सारे ऑप्शन को चूज कर सकते हो। जैसे कि आप क्लास जो लेना चाहते हो सिर्फ एक ऑनलाइन या डीवीडी दोनों में से कोई एक ले सकते हो, लेकिन कोर्सेज जो है आप यहाँ पे कई सारे सिलेक्ट कर सकते हो, उसके लिए हम यहाँ पे चेक बॉक्स का इस्तेमाल किए हुए। जैसे पहला हमारा कोर्स हो गया एक्सेल का, दूसरा कोर्स यहाँ डाल देते हैं हम वीवीए, यहाँ सर ये लेंगे ना वीवीए का, वीवीए, एंड तीसरा कोर्स जो है वो हम डाल देते हैं एमआईएस का, और फिर ऑप्शन बटन डालते हैं, कमांड बटन जिसको बोलते हैं, कमांड बटन डालते हैं सबमिट करने के लिए। अब मुझे क्या करना है, मैं जब फॉर्म ओपन करूं तो सबसे पहले तो यहां पे मेरे सिटीज का लिस्ट आना चाहिए, सबसे पहला बात कि मेरे सिटीज का लिस्ट आना चाहिए, राइट।
और दूसरा कि जब यहां पे जो डेटा सिलेक्ट करूं उनका लिस्ट यहां एक्सेल सीट में एक के नीचे एक फॉर्म टाइप से एंटर होना चाहिए। एक सीट के ऊपर हम डेटा एंट्री करवाना चाहते हैं, राइट। तो इसके लिए हम सबमिट बटन पे जाएंगे। सबसे पहले तो हम इसकी जो ये है डेटा शो करवाना चाहेंगे। तो यहां पे लिखते हैं नेम, सिटी, यहां पे आता है टाइप एंड कोर्स। और उसके बाद सिटी के लिए हमने और जो मेथड था इनिशियलाइज मेथड वो ले लिया, यहाँ से इनिशियलाइज होगा। और यहाँ लिखेंगे कि मी डॉट विथ कमांड के साथ, विथ मी डॉट कॉमो बटन वन कॉमो बॉक्स वन डॉट एड आइटम। यहाँ एड आइटम नहीं करना है, डॉट सिंबल नीचे करेंगे एड आइटम। एड आइटम क्या देना है सिटी में, दिल्ली डॉट एड आइटम, यहाँ पे देना है पुणे डॉट एड आइटम, और यहाँ पे देना है नागपुर डॉट एड आइटम, यहाँ देना है उदयपुर। और फिर यहाँ पे एंड विथ लगा देते। जब प्ले करेंगे हम इसको यूजर फॉर्म को तो यहाँ पे मुझे दिखेगा। अब मैं इसको डेटा को सबमिट बटन के थ्रू डेटा डालना चाहते हैं। हेलो। हाँ बिका जी, हाँ सर, जैसे आपने ये करा है जो कल बताया था, अगर हमने किसी और शीट के अंदर कोई लिस्ट बना रखी है, मतलब जो भी आइटम की है, तो उसका तो जो उससे वहां से उठा कल हाँ उठा सकते हैं। मैंने इसके लिए तो बताया था ना आपको, कल तरीका तो बता दिया था, कल वो। हाँ जी, हाँ जी, वो भी उसका बताया काम है था, सर, परसों कर भी सकते हैं। बताया था। ठीक सर वो है, लिंकिंग वाला नहीं बताया आपने, क्या लिंकिंग आपने कहा था ना एक कॉम्बो बॉक्स से दूसरा कॉम्बो बॉक्स करें तो बात दूसरे से तीसरा। सर, वो उल्टे चोर कोतवाल को डांटे वाली बात आप कर रहे हैं, ये तो चीज आपको बतानी थी ना। सर आपसे मैं दूसरी तीसरी बार पूछ रहा हूँ, वो फरहान जी ने कहा था कि मैं कर दूंगा, फिर वो अभी पता नहीं उन्होंने भी नहीं किया है। सर आप लोगों ने नहीं किया तो थोड़ा सा टाइम लेके ट्राई कीजिए, ट्राई 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 अगेन ट्राई, आपको पता है ना। सर हिंट मिल जाता तो शायद कुछ हो जाता, फिर किस तो लग जाता। कंडीशन लगेगा और क्या लगेगा। इफ कंडीशन से हो जाएगा सर। हाँ इफ कंडीशन इस्तेमाल होगा, और इसकी रिकॉर्डिंग तो मैं यूट्यूब पे डाल भी रखी है तो आप वहां से भी ले सकते देख सकते हो। सर किस नाम से है? अभी नाम याद नहीं मुझे। अच्छा, यूट्यूब पे है। अब यहाँ पे ये करना चाहते हैं कि एक के नीचे हम टाइपिंग कैसे करें, तो उसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे। सबसे पहले तो हमारा इसमें है ना रेंज और सिटी दे देते हैं सिंपल सा, कि यहाँ पे शीट वन या शीट्स में हम शीट वन दे देते हैं, शीट वन डॉट रेंज, और यहाँ पे देंगे A65,000 जैसे हम एक्सेल सीट पे किए थे, जस्ट एंड एक्सेल अप, एक्सेल अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, और टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू जो किया इसके जगह पे हमारा आ जाएगा कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट वैल्यू, मी डॉट कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट वैल्यू। अब बात आती है कि ऑप्शन बटन को कैसे किया जाए, उसके लिए यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा टेक्स्ट।
इफ मी डॉट ऑप्शन बटन वन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, अगर सिलेक्ट होगा तो ट्रू आएगा अदरवाइज फॉल्स आएगा, देन हम टाइप करते हैं टी इक्वल टू, वेरिएबल लेते हैं टी इक्वल टू मी डॉट ऑप्शन बटन वन डॉट कैप्शन, एल्स इफ मी डॉट ऑप्शन बटन टू डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, दैट ऑल्सो इसी को कॉपी करके पेस्ट करते हैं, बट यहां जो वन है वो टू बन जाएगा, और यहां पे लास्ट में हम एंड इफ कर देंगे। उसके बाद एक तो ऑप्शन बटन का हो गया, दूसरा आता चेक बॉक्स का। चेक बॉक्स का भी कुछ ऐसा ही लगेगा कि इफ मी डॉट चेक बॉक्स वन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, अगर क्लिक होगा तो ट्रू आएगा वैल्यू उसकी, देन टी इक्वल टू टी के साथ कौन कटा टी होगा, मी डॉट चेक बॉक्स वन डॉट कैप्शन, कैप्शन जो बाहर लिखा हुआ वो, देन एल्स इफ, एल्स इफ नहीं होगा यहां पे एंड कर दीजिए, क्योंकि इसमें दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, यहां एल्स इफ लगाना सही नहीं रहेगा, बस यहां पे नीचे जो लिखेंगे कि अगर दूसरा अगर ट्रू है तो मैं टी के साथ कंबाइन कर दूंगा, क्योंकि तो उस ऊपर वाली वैल्यू भी लेना है ना हमें एंड के साथ, और उसके बाद सेम तीसरे के लिए, यहां तीसरा हो जाएगा तीसरे के लिए, पहला दूसरा सही है, इसलिए यहां दूसरा होगा ना, यहां होगा हमारा तीसरा और यहां भी होगा हमारा तीसरा। उसके बाद हम इसको कॉपी करते हैं, तो इसको कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करते हैं, और यहां पे ये बेसिकली वन के जगह पे टू आ जाएगा, और कॉम्बो बॉक्स की जगह पे आ जाएगा टी टी फोर टाइप, लेकिन यहां मैंने यहां भी टी ले लिया, यहां पे टी नहीं होगा, यहां पे कुछ और देना पड़ेगा ना, तो ओवरराइट हो जाएगा ना, और सेम इसको हम कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं, और यहां थ्री हो जाएगा, और यहां टी की जगह सी हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि हमने पहले यहां पे इफ कंडीशन लगा के चेक करवाया कि क्या कौन कौन सा हमारा ऑप्शन बटन सिलेक्टेड है, जो जो सिलेक्टेड है उसका यहां पे लिस्ट आ जाएगा, ठीक है, जो जो सिलेक्टेड है उसका वैल्यू ट्रू होगा, और मैंने बोला कि ट्रू के बिहाफ पे, जो ट्रू है उस ट्रू के बिहाफ पे आप जो है वैल्यू उठा लो, उसकी कैप्शन को उठा लो, सिंपल से यहां पे लिखा, ठीक है। अरे यार रेडियो बटन में भी तीन से दो से ज्यादा होगा तो वहां भी अलग अलग यूज करेंगे ना, क्या बोल रहे हैं, हेलो प्रेम कांत जी, अगर रेडियो बटन में अगर तीन दो से ज्यादा होगा, नहीं क्या एक मतलब समझा रहे हैं, रेडियो बटन अगर दो से ज्यादा होगा, रेडियो बटन चाहे दो या चार और जितने भी होंगे उतने देने पड़ेंगे ना आपको, यहाँ पे एल्स नहीं तो उसमें भी एल्स इफ लगेगा या उसका भी अलग कंडीशन होगा इफ का। एल्स इफ लगेगा, एल्स इफ लगते हैं, क्योंकि हमें पता, एल्स इफ इसलिए लगा रहे हैं कि हमें पता है कि अगर 10 है तो 10 में से एक ही सिलेक्ट होगा ना हाँ क्या, लेकिन चेक बॉक्स में क्या है कि अगर 10 है तो 10 सिलेक्ट हो सकते हैं ना, ओके क्या बोल रहा है, हाँ सर ये थोड़ा समझ में नहीं आया, चेकबॉक्स वाला समझ में नहीं आया सर। अब चेक बॉक्स में क्या होगा, पहले वो चेक करेगा, पहला अगर क्लिक है उसकी वैल्यू, उसकी कैप्शन जो है मतलब कि उसको बाहर जो उसका टाइटल जो लिखा हुआ है
वो सी पे स्टोर कर देगा, राइट? तो दूसरे को उसके चेक दूसरे करेगा, से मतलब है। हाँ दूसरे, हाँ फिर दूसरे को चेक करेगा, अगर दूसरे पे भी टाइट, दूसरे पे भी आए है, मतलब चेकबॉक्स क्लिक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमने कोर्स के लिए एक ही बटन दिया हुआ है। अगर कोर्स के लिए हम अलग अलग दिए रहते हैं तो वहां पे उसकी जरूरत बात है, जैसे कि मैं तीन कॉलम डाल देता अच्छा है रीड, हेडिंग अलग अलग हो रहा है। यहाँ पे तो एक ही के साथ करना है, तो हम एक ही के साथ कॉमा कॉमा करके करवा रहे हैं, ओके समझ गया सर। समझ गए? हाँ अब इस फॉर्म को एक बार हम प्ले करते हैं, तो यहां देते हैं कि पूजा, और सिटी नेम हमने दे दिया दिल्ली, ऑनलाइन हमने दे दिया, और कोर्स में हमने दोनों दे दिया, आ गया। लेकिन दिक्कत है कि कोर्स में मैं एक्सेल वीवी और एमआईएस दूंगा, डीवीडी सेलेक्ट करता हूं, तो डीवीडी आया कि देखिए साइड में कॉमा लग जाता है, समझ गया कुछ? ये एरर क्यों हो रही है? एरर इसलिए हो रही दिया हुआ है, पहले क्या बोला? कॉमा दिया हुआ पहले कोर्स में ही अब इसलिए। क्योंकि यहां पे हमने कंडीशन लगा रखा है, तो वीवीए पे आएंगे हम, वीवीए पे आएंगे तो हमने क्या दे रखा है कि सी, यहाँ पे क्या हुआ कि सी के साथ कंबाइन करो, तो मान लो पहला सिलेक्ट नहीं है आपका, दूसरा सिलेक्ट है, तो कॉमा के साथ कॉन्कैटेनेट हो रहा है ना, तो पहली तो सी ब्लैंक है क्या सर? पहला सी तो ब्लैंक है, लेकिन कॉमा तो कंबाइन हो रहा है ना, तो इसको रोकने के लिए भी आपको इफ कंडीशन लगाने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए देना पड़ेगा कि इफ लेट सी कॉमा वन इक्वल टू, हमने बोला कॉमा, देन क्या करे कि सी इक्वल टू राइट, सॉरी राइट, राइट, और मैंने बोला कि सी में से इसकी कंप्लीट लेंथ को लेंथ से एक कम उठा लो, एंड इफ, अब जो है देखेंगे यहां पे कि मैंने मान लीजिए, सॉरी गलत रास्ता, गलत हो गया, गलत फाइल पे आ गया, यहां पे अगर मैं नाम डालू ओम, सिटी में मैंने नागपुर ले लिया, ऑनलाइन वीवी और एमआईएस कर दिया, क्या बोल रहे हैं सर? समझ में आया सर? जी सर आ गया सर। तो कॉम्बो बॉक्स एंड चेक बॉक्स, समझ में आ गया आप लोग को? तो मुझे यूजर फॉर्म में मैंने आपको अभी तक करा दिया टेक्स्ट बॉक्स, ऑप्शन बटन, ऑप्शन बटन एंड रेडियो बटन, ऑप्शन बटन एंड चेक बॉक्स, राइट? तो मैं कुछ एक्सपेक्ट करता हूं आप लोगों से, तो आप लोग कुछ ऐसा फॉर्म बना के दीजिए, आप लोग एक ऐसा ज्वाइनिंग फॉर्म या कुछ ऐसा अपने ऑफिस का ही एक डेटा एंट्री फॉर्म मुझे एक्सेल इसमें वीवी यूजर फॉर्म पे बना के दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपने अभी तक कितना एक्सेल सीखा है, कितना वीवी सीखा है। उसके बाद मंडे से सर हम, हेलो बोलिए, सर वो थर्ड डाटा वाला आज तो बता दो सर, वो थर्ड डाटा कैसे उठाते हैं। क्या थर्ड डेटा समझे नहीं? मैं सर एक क्वेश्चन पूछ रहा था, मेरे को हर एक रो में से हर तीसरे नंबर का डाटा उठा के दूसरी रो में रखना है। तो प्रेमकांत पांडे जी आपने बताया नहीं था इनको,
विकास जी, सर। आप जो फाइल है आपका, वो फाइल की सैंपल और कैसा डेटा चाहिए हो दोनों मुझे मेल कर दो। कल सैटरडे है, मैं कल दोपहर में यूनिवर्सिटी से जो है इसकी एक वीडियो बना के यूट्यूब पे डालकर आपको भेज दूंगा, ठीक है? तो मुझे मेल कर दीजिए सर सैंपल। एक चीज, सर एक चीज पूछनी थी। इसमें आगे चल के मे भी आप बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये यूजर फॉर्म बनाया है, जो इस पे क्विकली मैंने अगर डीवीडी कीबोर्ड से डीवीडी के ऊपर क्लिक करना है तो कैसे जाएंगे रादर देन टैब? टैब टैब से जाएगा। सर मुझे 5 मरतबा टैब नहीं दबाना तो। तो सर वो इनिशियली नहीं होता, दबाते ही मतलब कि वी दबाते वी आ गया। ये इनिशियली चीज वी में लागू नहीं होता है सर, जहाँ तक मेरा उम्मीद है। ऐसे मैं रिसर्च करूंगा, ऐसा कुछ मिल जाए। जैसे कि नॉर्मली जो फॉर्म पे होता है ना कि पी दबा दिया आपने तो पी से रेट जो भी होता है वो सेलेक्ट हो जाता है। सर मैंने एक यूजर फॉर्म देखा था एक्सेल में, यूट्यूब की वीडियो पे ही। उसके ना फर्स्ट इनिशियल के अंडरलाइन था, यानी फर्स्ट इनिशियल अंडरलाइन था, तो ऑल्ट के साथ वो फर्स्ट इनिशियल जो भी अंडरलाइन इनिशियल था ना, उसको प्रेस करते थे तो उस ऑप्शन पे चला जाता। तो वीडियो का लिंक है आपके नहीं सर, वो मैंने दोबारा स्ट्रीम में से ढूंढा है, वो पता नहीं, मिल नहीं रहा मुझे। पास? ठीक सर, हालांकि मुझे कुछ की जरूरत तो दिमाग में कभी तो आया नहीं, दिमाग में आता तो जरूर मैं इसके बारे में रिसर्च करता। ठीक है, बेसिकली ऑटो सजेशन के मुझे बारे में पता, इसलिए मैं माइक्रोसॉफ्ट बहुत सारे एडिटिंग से भी डिस्कस किया था, तो उन्होंने भी मना किया था कि नहीं जो फॉर्म। ठीक, तो मिलते हैं मंडे को, और मंडे को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे लिस्ट बॉक्स ऑटोमेशन, एडवांस लिस्ट बॉक्स मेथड हम यूज करते हैं। ठीक है, सर आपने एक सैटरडे को, किसी सैटरडे को फंक्शंस की क्लास ली थी, एक्स्ट्रा क्लास ली थी, उसकी कोई वीडियो नहीं अपलोड हुई? अगर वो दे देंगे तो हमें जरा फंक्शंस को और पढ़ने में आसानी जी। YouTube पे तो नहीं है सर कोई?